जिंदाबाद भूपेंद्र यादव जिंदाबाद भूपेंद्र यादव जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सभी से प्रार्थना है आप अपनी अपनी सब जो करना चाहते सम्मानीय हमारे डॉक्टर आरसी जी वो अपने हैं, मेरे ऊपर तो पूरी कृपा रही है उनकी। अब उस दिन पृथ्वी भाई सारा सबका फोटो देखा मैंने ललित के साथ। अब यार ये डबली गेम खेलोगे तो मर जाएंगे। तो ये डबली गेम मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा, जो मैं कहना चाहता हूँ वो सुनने की जरूरत है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर आरसी साहब आवे स्वागत ना हो, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। पर अब है परीक्षा की घड़ी, हमको नहर चाहिए या नहीं चाहिए। अब डॉक्टर करण सिंह जी आपको जो सब कहे बीमार तेरे अपने गांव, तेरे अपने गांव जतगांवड़ा के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इधर बैठी मेरी माताओं और बहनों, आज गांव के इस चौपाल पर फिर एक बार आपके बीच में आया हूं। और ये सही है कि आज मेरा छोटा भाई आज से मुझसे नाराज होकर के कहीं दूर गया हुआ है। भाई है मेरा छोटा, इसलिए बात आपको डॉक्टर जसवंत जी ने सारी बता दी कि पानी जरूरत है हमारी सबकी, इसलिए जल्दी हमारी जरूरत है। अगर ललित में वो काबिलियत या वो कुव्वत होती या वो कद होता कि वो हमारे लिए पानी ला देगा तो हम सब उसके साथ होते, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये 12 साल से सांसद है राज्यसभा, 5 साल से मंत्री है, भाजपा की बड़ी से बड़ी कमेटी के अंदर शामिल है। इस आदमी की इनकी जो हैसियत है वो अभी न तो मेरी है, न जसवंत सिंह जी की है, न ललित की है, न आरसी जी की है। इसलिए मैं तो लंबी बात नहीं कहता डॉक्टर साहब, मैं तो ये कहता हूँ अभी कह रहे थे मेरी माँ कह रही थी बूढ़ा हो गया, तो आप लोगों के सामने बूढ़ा हो गया ना। हाँ तो फिर मैं आखिरी बार वोट मांग रहे हो कि मेरे कहना से दे दे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूं पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी परम सम्मानीय आदरणीय भूपेंद्र जी यादव साहब से कि वो अपने वोट की अपील रखें, एक बार पूरे गांव की तरफ से जोरदार जयकारों के साथ भूपेंद्र यादव भूपेंद्र यादव आदरणीय भूपेंद्र जी जिंदाबाद। भारत माता की जटगावड़ा गांव के उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, मैं सबसे पहले गांव की इस चौपाड़ पे आके आप सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। लोकसभा के चुनाव की हमारी ये संपर्क यात्रा चल रही है, मैं आपको इस बात के लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि पूरे अलवर के लोकसभा क्षेत्र के सभी लोगों का प्यार और समर्थन भारतीय जनता पार्टी को, मुझे और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है। ये चुनाव हम मोदी जी की गारंटी पर लड़ रहे हैं। मैं बहुत लंबी बात इसलिए नहीं करना चाहूंगा कि अभी कम से कम 20 गांव और बाकी हैं, पर मैं मूल मुद्दे की बात जरूर करना चाहूंगा। मोदी जी की गारंटी का अर्थ है कि पिछले 10 सालों में उनके शासनकाल में जो योजनाएं बनी हैं
वो धरातल पर उतरी है और जो भी योजनाएं बनी है वो धरातल पर उतरने के कारण ही लोग ये विश्वास करते हैं कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, उनकी सरकार जो संकल्प करती है वो पूरा करती है। जिस भवन का फाउंडेशन वो डालते हैं उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी उसी शासन काल में करते हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरा इलाका जगजीवन का इलाका है, पानी की समस्या से बड़ा परेशान है और पानी की समस्या का समाधान करने के लिए मोदी जी ने अपनी गारंटी में देश में तीन योजनाएं चलाई। पहला जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन में हर घर तक जल और नल जाना है। दूसरा नहीं आया तो कांग्रेस की सरकार थी ना, सुन लो मेरी बात, नहीं आया तो भाई कांग्रेस की सरकार थी। दूसरा अमृत सरोवर योजना और तीसरा इंटरलिंकिंग रिवर से पानी को पहुंचाना। ये भाई सही कह रहा है, ये योजना मोदी जी ने शुरू करी थी, राज्य सरकारों को पैसा दिया था, राज्य सरकारों ने वो पैसा ठेकेदारों से मिलकर के जिन विधायकों ने इसको खाने का काम किया है। और आपकी शिकायत है, अब मोदी जी की सरकार राजस्थान में भी है, केंद्र में भी है, सबसे पहले तो उनको हिसाब किताब मांगकर अंदर किया जाएगा और उसके साथ जो मोदी जी का जल जीवन मिशन का पैसा है जो केंद्र से भेजा हुआ है वो तो नीचे सही गांव तक हर घर तक पहुंचाने का काम किया जाएगा, क्योंकि मोदी जी की गारंटी को लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। दूसरा विषय अमृत सरोवर का विषय है, जो गांव के वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए गांव में अमृत सरोवर खोदने की योजना मोदी जी ने पूरे देश में चलाई है। 55,000 से ज्यादा अमृत सरोवर पूरे देश में बनाए गए हैं। और तीसरा विषय, जहां पर पानी ज्यादा है, जहां पर पानी दो धरती के बीच में से बहता है, वहां पर उस पानी को नहरों से ला करके जो डार्क जोन है वहां के तालाबों में भर के ग्राउंड लेवल को मेंटेन किया जाए, आपदा के समय में उस पानी का उपयोग किया जाए। और राजस्थान के दो राज्यों से समझौते हुए और मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने आते ही दोनों राज्यों से एमओयू साइन करे जो कांग्रेस के टाइम में नहीं हुए। लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, चंबल नदी पर ईस्टर्न रीजन कैनाल प्रोजेक्ट का जो एमओयू था वो साइन नहीं हुआ, हमारे अलवर के उस क्षेत्र में आएगा। लेकिन यमुना का भी समझौता अभी भजन लाल जी ने हरियाणा के अभी हमारे निवर्तमान मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी से किया। और ये ओम प्रकाश जी विधायक जी यहां बैठे हैं, इन्होंने सीताराम जी यहां बैठे हैं और सीताराम जी भी अभी मेरे को यही बता रहे थे, ये दो समझौते हैं और ये जो पानी है ये अपने अहिरवाल में इस इलाके में बहरोड में लाना आपके सांसद के नाते मेरी जिम्मेदारी है। बुजुर्गों के आशीर्वाद से इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूँ। मैंने जीवन में मेरे को पार्टी ने 12 साल सांसद बना के राजस्थान से रखा, मेरे को पार्टी ने मंत्री बना करके रखा। आज लोग पूछते हैं और मैं भी ये पूछना चाहता हूं कि 12 साल सांसद रहने के बाद अकेले अलवर जिले में मैंने एमपी लेट से 193 काम कराए हैं और पूरी लिस्ट मैंने पत्रकारों के सामने दी। बहरोड विधानसभा में 5 करोड़ रुपए का जसवंत जी कह रहे हैं, मैं इसलिए अपने मुंह से कभी नहीं कहता, भी एक पत्रकार ने मेरे से पूछा कि जी वो कांग्रेस वाले पूछ रहे उन्होंने किया क्या, मैंने कहा भाई मैंने तो 193 काम करके उसकी लिस्ट पब्लिश करी हो, उनने बनने के बाद एक काम कराए हो कांग्रेस वालों ने तो बता दें। और कांग्रेस वाले बताएं कि उनको समर्थन करने वाले लोगों ने जल जीवन मिशन का पैसा खाया या नहीं खाया। अगर नहीं खाया होता तो अशोक गहलोत जी के समय में सभी एमएलए को खुली छूट मिली थी, लेकिन वो खुली छूट हमारे लिए लूट बन गई। ये भजन लाल जी की सरकार है, न लूट चलेगी न छूट, जिसका जो पैसा है वो पैसा वहां पे लगेगा, ये मोदी जी की सरकार है। और इसलिए मैं ये दोनों बातें बड़े विश्वास के साथ संकल्प के साथ आपके सामने कर रहा हूँ। जल जीवन मिशन का पैसा अपने लोकसभा क्षेत्र में पूरा ईमानदारी के साथ लगा के उस काम को पूरा करेंगे और हरियाणा और मध्य प्रदेश के साथ
जो नहरी पानी आएगा अपने बहरोड में भी लेकर आएंगे, यही आशीर्वाद मुझे दीजिए और 19 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। मैं देखो एक मिनट को फल सुन लेना। वोट मिला पिछले बार दरिया मेरे खिलाफ तो, अरे मैं रुके दरिया मेरे खिलाफ तो सारा गांव ने वोट दिया। जब दरिया मेरे साथ में आकर तो काम वोट खा गया। अब दरिया ने तो ले ली ललित की गारंटी। दरिया में तो ठोक बजा के आपके गांव से ललित की गारंटी ले ली। अब वो दरिया की गारंटी, अब उसको भाई जो है वो ले गारंटी। क्यों भाई, ठीक है ना? अब पृथ्वी एक ही भाव धन्यवाद। और माइक और माइक का प्रॉब्लम।